नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इन्फीबीम ने आज के दिन चौथी तिमाही के नतीजे घोषित किए हैं। देखते हैं कैसे नतीजे आए हैं। तो देखिए, बात करते हैं कंसोलिडेटेड नतीजों की, जो कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। इस शीट में सारा अमाउंट इन्होंने मिलियन में मेंशन किया हुआ है। लेकिन उस पर चलने से पहले एक रिक्वेस्ट हो रहा है, चैनल पर अगर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। ये जो कॉलम देख रहे हैं दिसंबर 21 का, और ये मार्च 2022 के लेटेस्ट डेटा है, यानी तिमाही आधार पर। सबसे पहले चेक करते हैं टोटल इनकम कंपनी की, 40 करोड़ मिलियन में अमाउंट है। 400 करोड़ के सामने इनकम कंपनी की डिक्लाइन हुई है, जो कि 372 करोड़ की आई है मात्र। और लास्ट ईयर से देखेंगे मार्च 21 से लेकर मार्च 22 में, तो 203 करोड़ के सामने 372 करोड़, फिर भी काफ़ी अच्छी बढ़कर आई है। लेकिन तिमाही आधार पर काफ़ी यहाँ पे डिक्लाइन हुई है। आगे देखें, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आफ्टर टैक्स यानी एक्सपेंसेस टैक्सेस से हटाने के बाद 24.1 करोड़ के सामने तिमाही आधार पर बढ़त है, जो कि 28.2 करोड़ की है। लेकिन साल दर साल देखिए 31.5 करोड़ के सामने डिक्लाइन है, जबकि इनकम तिमाही गिर रही है लेकिन मुनाफा तिमाही बढ़ रहा है। तो इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ देखें पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनकम में से एक्सपेंडिचर लेस कर दें तो 27.1 से बढ़ गया है 30.4 करोड़ का, जो कि लास्ट ईयर 27 करोड़ के सामने भी पीबीटी कंपनी का बढ़कर आया है। इसका रीज़न आप देखेंगे तो कंपनी के खर्चे तिमाही आधार पर यहाँ कम होते देखने को मिलेंगे, लेकिन साल दर साल काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, जो कि 176 करोड़ के सामने बढ़कर 341 करोड़ के कंपनी ने पोस्ट किए हैं। तो मिले जुले से नतीजे हैं, यहाँ पर बहुत कोई कमाल जैसी बात नहीं हुई है। अर्निंग पर शेयर अगर देख लें, पिछले तिमाही में 9 पैसे का मात्र था, वो बढ़कर 11 पैसे का आया, जो कि लास्ट ईयर 12 पैसे का था। तो ये करीब करीब फ्लैट सा मामला यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए, पिछले कई दिनों से लगातार स्टॉक गिरा रहा है, स्प्लिट होने के बाद लगातार यहाँ गिरावट भी देखने को मिल रही है। आज के दिन 17.25 के स्टॉक ने हाइस भी लगाए थे, लेकिन निफ्टी की गिरावट उतार चढ़ाव की वजह अगेन ये स्टॉक फिसलते हुए देखने को मिला। और फिलहाल स्टॉक की चार्ट पे जो स्थिति बनी हुई है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यहाँ से स्टॉक जब तक 18 के लेवल ब्रेक नहीं करता, तब तक ये फर्दर 20 के लेवल भी नहीं दिखा पाएगा, और 20 को तोड़ना इंपॉर्टेंट है इसको 25 के टारगेट के लिए, जिसके लिए थोड़ा समय लगेगा जिस हिसाब से नतीजे आए हैं। व्यू लॉन्ग है तो थोड़ा बहुत ऐड करने का विचार कर सकते हैं। ई कॉमर्स गेटवे मेथड जो है सर्विसेज देने वाली कंपनी है। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।